सब्सक्राइब कीजिए आज क्या बनाओ चैनल और दबाइए बेल आइकन को जिससे कि आपको मिले क्विक इजी टेस्टी रेसिपीज के साथ साथ ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स भी। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता रहे हैं जिसको डालने से दाल का पूरा स्वाद ही बदल जाता है और दाल सुपर टेस्टी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको करना है कि आपको दाल उबालनी है, आपको वैसे ही रेगुलर दाल उबालनी है जैसा कि आप उबालते हैं, जैसे कि नमक और हल्दी डालकर दाल को उबाल लिया है। ये दाल बिल्कुल उबल चुकी है, इस तरीके से उबाल। यहाँ पर ये हमने लिए हैं कच्चे आम, देसी वाले आम हैं ये, और इनको छील करके इस तरीके से बीज निकाल करके इसको काट लिया है। अब फ्रेंड्स, आपको करना ये है कि थोड़े से पानी में इन कटे हुए आम को दो मिनट के लिए थोड़ा नमक डालकर इसको सिर्फ दो मिनट के लिए उबाल लेना है। और उसके बाद जो आपने दाल उबाली है उसको इसमें डाल देना है। ये रेसिपी फ्रेंड्स बिना प्याज बिना टमाटर कि बहुत टेस्टी लगती है। इसके बाद आपको रेगुलर इसमें तड़का दे देना है, सूखी लाल मिर्च, हींग, जीरे का तड़का है और इसमें थोड़ा लहसुन भी डाला है। जो आप रेगुलर दाल में तड़का देते हैं इस तरीके से आप इसमें तड़का दे दीजिए और ये आपकी सुपर टेस्टी दाल तैयार हो जाती है। देखिए, तड़का देने के बाद आप इसको एक मिनट ढक के रखें। उसके बाद ये देखिए, आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनेगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।